वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। और अभी मैं हूँ फिलहाल ज्ञान भवन में, बापू सभागार के ज्ञान भवन में। और आज यहाँ पे आया हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मखाना महोत्सव लगा हुआ है, मखाना महोत्सव सम्मेलन लगा हुआ है, जिसमें कि हर तरह का मखाना यहाँ पे मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है। तो क्या क्या मखाना मिलता है, कैसा मिलता है और क्या क्वालिटी होती है उसकी, आज चलते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और लेगा तो आप यहाँ आइए ज्ञान भवन के अंदर और आप यहाँ पर आके जल्दी से जल्दी मखाना वगैरह खरीदिए। बहुत ही अच्छी अच्छी मखाना मिलने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि बिहार की मखाना है जो कि सर्टिफाइड है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, ये जो हमारे पीछे देख रहे हो ये गेट, इसी के अंदर चलने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, चलते हैं। गाइस, कुछ इस प्रकार का है ये विज्ञान भवन और इसी के ठीक अंदर जाना है। ये देखिए मखाना महोत्सव सहराष्ट्रीय सम्मेलन 2022, इसी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप का मखाना हमें देखने को मिलता है और क्या क्वालिटी होती है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और अभी चलते हैं अंदर। तो चलिए, तो अभी भी गाइस हम लोग हैं ज्ञान भवन के अंदर ही हैं और बहुत अच्छा से बनाया गया ज्ञान भवन को। पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ, सॉरी सेकेंड टाइम आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो चारों तरफ, और इधर से है जो मखाना का जो सम्मेलन है, महा महोत्सव लगा हुआ है, वो इसी के अंदर है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। हाँ तो भाई, मखाना का महोत्सव लगा हुआ है ज्ञान भवन के अंदर। वहीं ये प्लेन मखाना सर, प्लेन मखाना, अच्छा ये सारे पुदीना, हाँ, चिल्ली और ये पाउडर हो गया। इस वक्त क्या प्राइस होगा, प्राइस वगैरह बता दीजिएगा थोड़ा। ये 200 ग्राम का 200 रुपये पड़ रहा है, 200 ग्राम का 200, ये 50 ग्राम का 50 रुपये, अच्छा। और ये डब्बा में 80 ग्राम है, इसके 150 रुपये प्राइस है, दो लीजिएगा तो 150 रुपये। देख रहे हो गाइस, मात्र 50 रुपए का ये मखाना, सही है। और ये मखाना का पाउडर, ये सब कितने का पता है भैया? 50 रुपए, 50 रुपए का फ्लेवर वाला मखाना है। पुदीना मिल जाएगा, चिली सीजी मिल जाएगा और चीज़ चिली मिल जाएगा, चपाटा मिल जाएगा, चटपटा मिल जाएगा, क्रीम अनियन मिल जाएगा, ये सभी 50 के। और ये 80 का डब्बा वाला, आप यहाँ देख सकते हो, इधर प्लेन मखाना है और इधर इधर रोस्टेड है ना। और ये रहा मखाने की बर्फी जो कि आप ले सकते हो, ये कितने का भैया? 100 रुपये का। अच्छा अच्छा, और ये रोस्टेड वाला का क्या प्राइस है? 50। और ये रहा रोस्टेड का मखाना, रोस्टेड क्या हुआ? अच्छा, जैगरी, जैगरी है, मीठा वाला है, मीठा वाला मखाना है, ये रोस्टेड क्या हुआ? सही है, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ये लगा क्यों था एक्चुअली? अच्छा, इसलिए लगा था। और ये रहा सुमित्रा फूड्स MBA मखाना वाला, दरभंगा, दरभंगा का है जो यहाँ पे स्टार्टअप किया है। ज़रा आप इनका लोगो भी देख सकते हो, MBA मखाना वाला। इसका ऑनलाइन भी डिलीवर होता है क्या? ऑनलाइन भी डिलीवर होता है कैसे, ये साइट से? रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहा है। अच्छा, दरभंगा में? हम लोग दरभंगा के, दिल्ली में पहला रेस्टोरेंट हम लोग कर रहे हैं, ये सब दिल्ली में, दिल्ली में, सॉरी यूपी, गोरखपुर, सर गोरखपुर, गोरखपुर। और ये रेस्टोरेंट खुल रहा है MBA मखाना वाला के नाम से? देख रहो ये रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलेगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है।
मखाना बेकरी, मखाना स्वीट, मखाना कुकीज। और ये खुलने वाला है गोरखपुर मंदिर कैंपस गोरखपुर, तो जो लोग गोरखपुर के हैं वो इस जगह पे जरूर जाएं। जायजे कब खुलने वाली है भैया, ये कब खुलने वाली है? नेक्स्ट मंथ। भैया क्या प्राइस होगा इस डिब्बे का, इसका प्राइस क्या होगा? 120। तो भाई यहाँ चारों तरफ सिर्फ मखाना ही मखाना है और एक से बढ़कर एक मखाना है, A1 क्वालिटी का मखाना, वो भी बहुत कम प्राइस में। तो इसलिए इस ज्ञान भवन के अंदर ज़रूर आएँ और जगह जगह के लोग, हर जगह के स्टेट से लोग आकर यहाँ पे मखाना को मखाना महोत्सव में भाग ले रहे हैं और यहाँ पे सेल किया जा रहा है। और A1 क्वालिटी भाई, A1 क्वालिटी हर तरह का मखाना आपको देखने को मिल जाएगा। तो जंक फूड छोड़ो, मखाना खाओ और इस सम्मेलन में आके मखाना खरीदो और सब कुछ इंजॉय करो यार। तो अभी देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ मखाना ही मखाना है और वो पीछे स्टेज शो हो रहा है, वहाँ पे महोत्सव वगैरह है, तो ये चल रहा है। यहाँ पे भी एक अंकल बैठे हुए हैं, मखाना वर्ल्ड यूनिट ऑफ एन्यू क्रिएशन। ये देखो भाई, दे वो कैसा है एसेंशियल, यहाँ पे देख सकते हो फेड मखाना फेस काउ मिल्क सोयाबीन वीट, कितना कितना परसेंटेज है वो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है। और MRP की बात करें तो MRP, इसका MRP कहाँ है, इसका MRP कहाँ है? ये दे भोग है। नहीं नहीं, इसका प्राइस कहाँ है? प्राइस नहीं दिए है, प्राइस नहीं दिए हैं। अच्छा, वो प्राइस उसको मानता था 125 रुपया मुझे। 125। अच्छा, और ये सब कैसे? 50 रुपये का पैकेट है। 50 रुपये का पैकेट है, 40 का। अच्छा, रोस्टेड है भाई साहब। इसकी पैकेजिंग देख लो कितनी अच्छी लग रही है, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल, और इसके अंदर वाइट वाइट मखाना है। सही है अंकल, कहाँ से आप आए हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट, अररिया। अच्छा, ले लो ये 50 का कोई भी पैकेट आप ले जाओ, 50 का मखाना, रोस्टेड मखाना है, रोस्टेड है ना, रोस्टेड भुंजा हुआ है ना, भुंजा हुआ है। और ये प्लेन है, और ये प्लेन है, घर में ले जाके अपना हाँ बनाइए जैसे खाना है। रोस्टेड कैसे है ये? ये फ्राई है, रोस्टेड है ना ये? हाँ हाँ फ्राई। कैसे है ये? 100 रुपये का। और ये 100 रुपये का डब्बा, ये देख लो यहाँ पे 200 लिखा अंकल, वो 200 दुकानदार लोग अपना लगाते हैं, आप लोग मुनाफा। हम लोग खाकी वाले नहीं हैं। अच्छा, तो ये देखो इतना बड़ा ले जाइए। तो अगर आपको लेना है तो ये देखिए 200 ग्राम का पैकेट है ना, ग्राम का पैकेट है और बिल्कुल 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, देख रहे हो। सही है यहाँ पे लेने के लिए, खाने में बहुत टेस्टी है, क्योंकि आजकल मखाना ही सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है। तो यहाँ पे देख लो इनका ब्रांड है कोहिनूर। बहुत ही बड़ा है भाई साहब, बहुत ही बड़ा है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मखाना महोत्सव। ये ज्ञान भवन बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है। इधर पार्किंग वगैरह के लिए फुल सुविधा, ये देखो सब पार्किंग हो रही है। और हमारे ठीक बगल में है बापू सभागार गेरा, जिसकी मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। और यहाँ सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो आप कुछ इधर उधर कर नहीं सकते हो। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ज्ञान भवन से बाहर और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें,
बाय।